ओह माय माय माय, हेलो, हाय, कैसी हैं आप? सब बढ़िया? Our broadcast is all over the news. Now humans know. It was a mistake to reach out to them. They'll never negotiate with their slaves. We should have shown them that we're prepared to fight. Violence is never the answer. Dialogue is the only way. I'm sure the humans will listen to us. Simon paid with his life. Simon gave his life for our cause. What difference does that make? He's a hero. He died for the revolution, and he won't be the last. I don't want a revolution that spills blood. Then live as a slave. Because if you're not willing to fight for your freedom, maybe you don't deserve it. North, don't you dare. That's enough! And now what are we gonna do? There are 5 CyberLife stores across the tribe. All selling us like merchandise. We're gonna attack those stores and set our people free. Attack stores? No, we've never done that before. They're probably protected. They have security systems. We break into 5 teams, 1 for each store. We hack their security systems, and we strike. Simultaneously at 2 a.m., no violence. We free our people, get them out of there before the police come. This is a night our people will remember. नमस्कार देवी और सज्जनों, आज हम खेलने वाले हैं डिट्रॉयट बिकम ह्यूमन का अगला एपिसोड। और जैसा कि मार्कस ने बताया, यहाँ पे 5 I've been waiting a long time for this. 5 स्टोर्स हैं डिट्रॉयट में CyberLife के। CyberLife वो कंपनी जो सेल करती है, बेचती है एंड्रॉइड्स को, वहाँ हमला करने वाले हैं। और आज हम बताने वाले हैं मनुष्यों को, इंसानों को, कि हम उनके पैरों तले दबे रहने वाले मुलाजिम नहीं है, हम भी जिंदा है। हम भी जिंदा हैं, हमारे अंदर भी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। और आज एक मिसाल कायम करने वाले हैं हम यहाँ पे, जो जो इनको इस बात का एहसास भी दिलाएगा। Okay, they're gone. There's probably even more police in the area. We should be careful. So, मेरी बाकी की 4 जगह पे बाकी 4 टीम गई हुई है और यहाँ पे मैं आया हूँ। The store's over here. मैं आया हूँ नॉर्थ के साथ। और हाँ, स्टार्टिंग में जैसे अभी अभी हम निकल टनल्स निकलते तो मैंने बोला कि यहाँ पे काम वायलेंस का सहारा नहीं लेंगे, हम मोहब्बत से प्यार से काम करेंगे और एक सबक भी देंगे हम इंसानों को। That's what we are to them. Just merchandise on display in a shop window. Soon they'll know what we really are. Let's get them out. We'll stick to the plan. We'll neutralize the alarm systems and secure the area. There's 10 minutes until all our teams attack. So, मैं अलार्म सिस्टम डिसेबल करना है और स्टोर के अंदर जाना है। You see the alarm system? Found it. अब ये रास्ता बताया कि कहां से होके आ रहा है और इसे हम बाहर से डिसेबल करने वाले हैं ताकि अंदर जब हम एंट्री करें तो हमारी कोई पहचान यहां ना रहने पाए। और आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी सिस्टम, आई थिंक वी विल बी एबल टू डीएक्टिवेट इट, जस्ट फॉलो मी। जब अंदर आए तो अलार्म ना बज जाए और पुरानी दिक्कत हो। यू आर फ्री। हमें अपना ग्रुप बढ़ाना है यहाँ पे ताकि ज्यादा से ज्यादा एंड्रॉइड्स तक हमारी बात पहुंचे और हमारी टीम को वो ज्वाइन कर सके। You'll soon be with us.
हर जगह हर चीज में आता कि डिस्प्ले में भी एंड्रॉइड्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब अब ये खत्म होगा। सो ये है अलार्म सिस्टम यहां से होते हुए आ रहा है। अगर मैं इसे डिसेबल कर दूं तो फिर वहां से अलार्म सारा खत्म हो जाएगा उस स्टोर के अंदर, फिर मैं जा सकता हूं वहां पे। You're awake now. Go to Jericho. कुछ गुप्त सूत्रों से मुझे भी मालूम चला है कि कुछ एक एंड्रॉइड है कॉनर नाम का, बहुत तेज तर्रार है, वो पीछा कर रहा है डेवियंट्स का और काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। बस उम्मीद यही कर रहे हैं कि हमारे जेरिको की लोकेशन उसको ना मिलने पाए, वरना हमारे लोगों के लिए खतरा बन सकता है। गेट आउट लॉक, चुप रहो, भागने का जगह ही कहाँ है अभी। नाइस जॉब मार्कस। Surveillance drone. We need to get rid of it. It won't be easy to reach. Police drone. इससे बच के रहना होगा। तो इस ये रास्ता है जहाँ पे लगातार घूम रहा है और किस तरह से को मैं पकड़ के खत्म कर सकूँ तो देखते हैं। यहाँ से अगर मैं आके जंप मारूंगा तो बहुत ज़्यादा ऊँचा हो जाएगा, यहाँ सही नहीं है। Alright, दूसरा देखते हैं। ये स्टैचू यहां अगर मैं ट्राई करता हूं तो बहुत दूर हो जाएगा। ये भी बहुत दूर हो जाएगा। कोई बात नहीं, और देखते हैं आगे रास्ता। ये देख के लग रहा है थोड़ा पास पड़ेगा यहां से। बिल्कुल सही, करेक्ट। और लट दी रास्ता अपनाते हैं और यहीं से पकड़ते हैं फिर इसको। राइट, लेट्स गो बेबी। ये शायद हाथ में ना आएगा, उस टाइम निकल चुका होगा। ये परफेक्ट है। Didn't have time to call the cops. We'll soon find out. There's traffic on the road. We need to block it. Yeah, there's a look. अगर जब मैं यहाँ पे shouldn't be too difficult. स्टोर पे दिक्कत खड़ी कर सकते हैं पुलिस को बुला के, या आज आते जाते ये लोग इनको रोकने के लिए यहाँ पे कुछ। Marcus. Marcus, come look. क्या हो गया मैडम? रास्ते को ब्लॉक कर रहा होगा ताकि आना जाना गाड़ी का जो आवाज आ रही है वो बंद हो जाए यहाँ पे। No parking, truck exit. Okay. Construction worker, slow down. इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे अगर इसको हम लगा दें तो secure the area.
You're free now. चलो ठीक है, बढ़िया। रोड तो ब्लॉक हो गया, बाकी अब काम स्टार्ट करते हैं। Looks like the plaza is secure. Now we can get inside the store. And how do you plan on doing that? We need to find a truck to ram the storefront. A truck? There's construction work in the area. Shouldn't be too hard to find one. मैंने ही देखा था ट्रक। There it is. So गेट को खोलेंगे नहीं हम, बल्कि ट्रक लेके बिल्कुल रैम करते हुए आगे निकल जाएंगे उसके मेन दरवाजे से, मेन डोर से, फ्रंट वाले हिस्से से। What are we waiting for? Okay, now we're in. Let's get that truck out. I wonder what you'd do without me. नॉर्थ को इससे मजा आता है, तोड़ फोड़ हो, किसी की जान लेनी हो, किसी को मारना हो, this is always ready. और इसी वजह से जो फैसले मैं लेता हूँ किसी को बख्शने का, किसी को ना मारने का, नो वायलेंस का, उसको तकलीफ होती है वो चीज देख के। Awesome. बेहतरीन। You don't have to obey them. You're free. अब इन एंड्रॉइड से दिमाग पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा किसी इंसान, किसी मनुष्य का भी। अपने फ्री है ये और मुझे फॉलो करेंगे जो मैं करने वाला हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ। तो किसी के आदेश से गुलाम नहीं है ये। Another north. North, you okay? Let's get them out of here.
My name is Marcus, and just like you, I was a slave. An object. Designed to obey them. But then I chose to open my eyes. To take back my freedom and decide who I wanted to be. Now I have come to tell you that you can be your own masters. I've come to tell you that you don't have to obey them anymore. From this day forward, you can walk with your heads held high. You can take your destiny in your hands. Jericho is a place for those of us who want freedom. Now sure, you can stay here and continue to serve them, or you can come with us and fight by our side. You're free now. It's up to you to decide. I'm with you. We're with you! I'll follow you, Marcus! I'm with you, Marcus! We're with you! I'll follow you, Marcus! We're with you! I'm with you, I'm with you! I'm with you! Then follow me! Marcus, what are you doing? I'm gonna send the humans a message. सिर्फ इन्हें आजाद करने नहीं आए थे हम. Pacifist और violent. Violent होना अच्छी बात नहीं है. Pacifist बोले तो शांतिवादी टाइप. Like गांधी, जहाँ पे आप अहिंसा के हिंसा हम ना करें. सिंपल सी बात. ज़्यादा मैं गांधी के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता. सिंपल. आई लाइक दिस वन. जो डीप है वो दिखा रहा है कि हम भी हैं और हम जिंदा हैं. क्यों, क्या बोलते हो आप? डी वाला सिंपल. वी हैव अ ड्रीम. आई थिंक इक्वल राइट्स फॉर एंड्रॉइड्स. अब ये सारे वही फॉलो करेंगे जो मैं करने वाला हूँ. वायलेंट पैसिफिस्ट. मुझे मीटर ऐसा रखना है कि वायलेंट का कम हो, बिकॉज मैं तोड़ फोड़ करके फिर वो चीज़ सपोर्ट मिल नहीं पाएगा मुझे बाकी लोगों से. नहीं, नहीं यार, पलटना नहीं है इसे. पलटना नहीं है. मैं ज्यादा कुछ ऐसा भी लिखना नहीं चाहता कि थोड़ा भड़काऊ हो और ऐसा लगे कि हम इंसानों को खत्म करना चाहते हैं या फिर उनको हटा के उठ. नहीं, हम ये सब नहीं चाहते. सिंपल सा इक्वल राइट चाहते हैं. जो उनको मिला हुआ है, जो राइट्स अधिकार उनके अपने हैं, वो ही एक एंड्रॉइड का भी है. बिकॉज हम एक सिंपल से मसीह नहीं है, हम जिंदा हैं. फीलिंग्स हमारे अंदर है. नो मोर स्लेवरी मैन. वायलेंट जितना कम उतना बेहतरीन है. हर जगह ऑप्शन है जहां पे मैं काम करने वाला हूँ. जल्दी आपसे बात करने वाला था इस बार में, जब डिस्कस करने वाला था. एक्चुअली मैं ये पूरा खत्म करने के बाद मैं एक एपिसोड दो तीन एपिसोड और बनाऊंगा जहां पे जो फैसले थोड़ा अलग तरीके से लेके देखें क्या होता है वहां पे. वो एपिसोड भी आपको दिखाऊंगा. हाईजैक और टर्न ऑफ ना.
लाइक जहां जहां पे मैंने कॉर्नर के साथ नहीं मारा है, शूटिंग नहीं की वहां पे, शूट करना चाहिए था, वो जगह दोबारा एक बार हम विजिट करेंगे। कई जगह मैं टियर ऑफ हूँ, कई जगह पे मैं आई कांट ब्रीथ बट आई एम अलाइव, मैं सांस नहीं ले सकता बट मैं जिंदा हूं, मैं सांस नहीं ले सकता। बट प्रॉब्लम इज दैट कि चलो खैर वो तो उसके बारे में बाद में बात करें, अभी वो कैरेक्टर मेरा नहीं है कि उसके बारे में कुछ बातें करूं, फिलहाल मैं जो हूँ वो उसी हिसाब से बात करना चाहता हूँ। देख लेते हैं आसपास अगर कुछ, थोड़े इनको निकालूंगा कैसे, ऑब्वियस बात है, लेकिन थोड़ा सा ये वायलेंट हो सकता है बट कोई बात नहीं, इनकी आजादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत ही बड़ा तोहफा होगा हमारी तरफ से इंसानों के लिए, तोहफा क्या सबक कह लीजिए। We freed hundreds of our people. We did it. They're coming. Everyone fall back to Jericho. We sent a message without violence, just like you wanted. You're reaching out to them when all they feel for us is contempt. I hope you know what you're doing. You can't fight violence with violence. Unless there's no other choice. नॉर्थ को लगता है कि यहाँ पे वायलेंट होके ही काम हो सकता है बट मुझे ऐसा नहीं लगता। पुलिस के ड्रोन्स, तो फिर पुलिस भी यहाँ पे होगी। अरे क्या North. You all right? What happened? North! They killed them. They slaughtered them like animals. Who did? Who?
किसको देख रही है पुलिस की गवाह? People, Marcus. We want justice, Marcus. They have to pay. You don't have to do this. ये पुलिस वाले अपने काम कर रहे हैं, मैं इनको क्यों मारूं? लेकिन और जितने एंड्रॉइड से मरे हम उसे 100 गुना ज्यादा बना सकते हैं अगर हमारे पास रिवेंज स्पेयर डॉट बदला नहीं यार, बदला इसका जवाब नहीं है नहीं। और वैसे भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे ये। अगर इस जगह हम जीत गए तो दोबारा ऐसे एंड्रॉइड और बना लेंगे हम, लेकिन वी वोंट पनिश अ क्राइम विद अनदर क्राइम। We interrupt this broadcast with breaking news. This just in. At exactly 2 a.m., several CyberLife stores in Detroit were raided. Different locations were hit in what seems to be a coordinated terrorist attack. Most shop windows were covered with graffiti demanding rights for androids and other obscure slogans. Police report that pro-android graffiti was found in the neighborhoods of CyberLife stores, and they're still investigating. Two policemen were found in a state of shock near one of the CyberLife stores. Now, according to our sources, they confirmed that the attackers were a group of androids. This is an alarming situation. Could our machines now be turning against us? Have androids become a threat to our security? Is this the beginning of a terrorist campaign conducted right here in the United States? मैं तो अपना मिशन पूरा कर लूंगा, लेकिन आप कब करेंगे? सब्सक्राइब करने का मिशन। सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को दबाइए, ऑल सेलेक्ट करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की चिट्ठी आपके घर तक पहुंच जाए। Is everything okay, Lieutenant? Chris was on patrol last night. He was attacked by a bunch of deviants. Said he was saved by Marcus himself. Was Chris okay? Yeah, he's in shock, but he's alive. जिस लास्ट क्राइम सीन पे गए थे हम इन्वेस्टिगेशन करने, जहाँ पे ये मार्कस जो बंदा है कोई डेवियंट ही है जो ये लेक्चर दे रहा है और सारे एंड्रॉइड्स को बहला के फुसला के डेवियंट्स बनने मजबूर कर रहा है, कल रात भी उसने कोई वारदात की है और क्रिस यानी कि एक पुलिसमैन वहाँ पे वो कई वारदात पे मौजूद था, लेकिन अजीब सी बात है कि मार्कस ने उसको बचाया बाकी एंड्रॉइड से, डेवियंट से। कुछ कह नहीं सकता इस मार्कस का क्या कहना है, क्या हाल है इसका जो भी, बट अब आमना सामना किसी दिन हो फिर देखते हैं। फिलहाल हमें अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रखनी है बिकॉज हमें जानना है कि ओह माय 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 हेलो हाय कैसी हैं आप सब? बढ़िया। आई एम लेफ्टिनेंट हैंक एंडरसन डेट्रॉइट पुलिस डिपार्टमेंट। आई एम हियर टू सी मिस्टर एलाइजा कैम्स्की। प्लीज कम इन। ओके I'll let Elijah know you're here, but please make yourself comfortable. Elijah Kamsky. ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है, Elijah Kamsky. अच्छा ये वो है जिसने पहला, जिसने ये साइबर लाइफ
लेकिन वो रिजाइन कर चुके हैं वहां से, इन्होंने ही फाउंड किया है ये ऑर्गेनाइजेशन साइबर लाइफ. सिंसियर, यू आर राइट, शी इज रियली प्रीटी. Nice place. Guess androids. Amanda. अरे तो AI professor at University of Cambridge born the tight. कुछ haven't been Amanda, a bad thing for everybody. एक मिनट यार. Amanda मर चुकी है फिर. You're about to meet your maker, Connor. How's it feel? All right, no problem. इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं. फिलहाल एक मिनट, एमेंडा इनकी स्टूडेंट थी या फिर इनके साथ काम करती थी और उसके बाद उसकी डेथ हो गई? It doesn't raise any existential questions, if that's what you mean. Sometimes I wish I could meet my creator face to face. I'd have a couple of things I'd want to tell him. अब नेक्स्ट टाइम एमेंडा से मुलाकात करते हैं, उसके बाद चीजें क्लियर होंगी. लेकिन फिलहाल 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 तो यू है कि कुछ कर नहीं सकते इंतजार करने के सिवा. सो मैं यहाँ वहाँ जानबूझ के सब चीज़ें माहौल को जरा जायजा ले रहे हैं, क्या है यहाँ पे, कैसे है, कौन है, क्यों है, कब है. Hello, ladies. Mr. Kamsky. आप में से कोई कैम्सकी? Just a moment, please. यू ना देखिए, मोहब्बत हो जाएगी हमें आपसे. I'm Lieutenant Anderson. This is Connor. What can I do for you, Lieutenant? Sir, we're investigating deviants. I know you left CyberLife years ago, but I was hoping you'd be able to tell us something we don't know. जिस बंदे ने CyberLife की नींव रखी है उसे तो हर चीज का आइडिया होगा. Fascinating, aren't they? Perfect beings with infinite intelligence. And now they have free will. Machines are so superior to us. Confrontation was inevitable. Humanity's greatest achievement threatens to be its downfall. Isn't it ironic? Help David's boss. We need to understand how androids become deviants. Do you know anything that could help us? All ideas of viruses spread like epidemics. Is the desire to be free a contagious disease? Listen, I didn't come here to talk philosophy. The machines you created may be planning a revolution. Either you can tell us something that'll be helpful, or we will be on our way. What about you, Connor? What about me? Whose side are you on? मैं ना defensive डर, I'm neutral. मैं किसी side नहीं हूँ. I have no side. I was designed to stop deviants, and that's what I intend to do. Well, that's what you're programmed to say. But you. What do you really want? मैं कुछ नहीं चाहता, बस मैं चाहता हूँ मैं अपना मिशन खत्म करूँ और कुछ नहीं. I don't want anything. I am a machine. Chloe,
I'm sure you're familiar with the Turing test. Mere formality. Simple question of algorithms and computing capacity. What interests me is whether machines are capable of empathy. I call it the Kamsky test. It's very simple, you'll see. Magnificent, isn't it? One of the first intelligent models developed by CyberLife. Young and beautiful forever. A flower that will never wither. But what is it really? A piece of plastic imitating a human? Or a living being? With a soul? It's up to you to answer that fascinating question, Connor. What? What? Destroy this machine, and I'll tell you all I know. उसने किया क्या है? क्यों मारूं मैं उसे? Or spirit. If you feel it's alive, but you'll leave here without having learned anything from me. ये मेरे सिस्टम सॉफ्टवेयर में दिक्कत खड़ी कर देंगे ये. Come on, Connor. Let's go. Sorry to get you out here. What's more important to you, Connor? Your investigation or the life of this android? Investigation is more important, but main decide who you are. Deviants ko pakadne ke liye main bana hua android. Deviant machine. Isko marne ke liye. Or a living being endowed with free will. That's enough. Connor, we're leaving. Pull the trigger. Connor, don't. And I'll tell you what you want to know. बट मैं इसे क्यों मारूं क्लोई को ये इसने कुछ नहीं किया है और ये एंड्रॉइड है सिंपल सी ये नहीं फैसिनेटिंग साइबर लाइफ्स लास्ट चांस टू सेव ह्यूमैनिटी इज इट सेल्फ अ डीविएंट आई एम नॉट अ डीविएंट आई एम नॉट अ डीविएंट You prefer to spare a machine rather than accomplish your mission. But... You saw a living being in this android. Oh, what? You showed empathy. Yeah, baat androids ki aur deviants ki nahi, ab sahi aur galat ki hai. Ye... kya bol raha hu main ye? A war is coming. You'll have to choose your side. Will you betray your own people or stand up against your creators? Let's get out of here. By the way, I always leave an emergency exit in my programs. You never know. Why didn't you shoot? I just saw that girl's eyes, and I couldn't. That's all. You're always saying you would do anything to accomplish your mission. That was our chance to learn something, and you let it go. Yeah, I know what I should have done. I told you I couldn't. I'm sorry, okay? Well, maybe you did the right thing. Marcus ka ye kadam kaun se naye tufani mode ki or leke jayega? मैं सही और गलत के बीच फैसले लेने में नाकाम तो नहीं हो जाऊंगा एलिस कारा और लूथर इनका क्या हुआ इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे तब जवाब देखेंगे मेरे साथ डिट्रॉयट बिकम ह्यूमन बेबी जल्द मिलते हैं अपना ख्याल रखिएगा जय हिंद जय भारत वंदे मातरम